हाउ टू टैकल आर डिस्ट्रैक्शंस. हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे टैकल करें. फर्स्ट थिंग, जिस पर फोकस करोगे उसी को पाओगे. फोकस किस पर है, डिस्ट्रक्शन पर या अपने टारगेट्स पर. बस अगर टारगेट पे फोकस दो तो डिस्ट्रक्शन को आराम से टैकल कर सकते हो. लेकिन जो आपको डिस्ट्रक्ट कर रहा है उस चीजों पे ही आपका ध्यान लगा हुआ है, चाहे वो ध्यान नेगेटिवली है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, तो करोगे. और इस उम्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हें जो नहीं करना तुम उसको ज्यादा सोच रहे होते हो और फिर वो कर गुजरते हो. ठीक है ना, तो डिस्ट्रैक्शन पे फोकस ही मत करो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. अर्जुन की आंख बनो तो सही. यू नो द स्टोरी ऑफ अर्जुन की आंख. बस अर्जुन की आंख बनो, जिसको केवल मछली की आंख दिखाई देती और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे बन जाओ. डिस्ट्रक्शंस कहाँ रहेंगे, एक बात. दूसरी बात, डिस्ट्रक्शंस आपको तभी परेशान करते हैं जबकि आपका प्रेम अपने लक्ष्य में नहीं होता. अगर आप अपने लक्ष्य को प्रेम देते हो, आप अपने काम को करते हुए, पढ़ाई को करते हुए आनंदित होते हो. कन्फ्यूशियस का नाम सुना, चाइना में हुआ था, बहुत अच्छा दार्शनिक फिलोसोफर था. उसने एक लाइन लिखी कि तुम अपनी रुचि का काम चुन लो, तुम अपनी रुचि का काम चुन लो, फिर तुम्हें जिंदगी भर काम ही नहीं करना पड़ेगा. क्या बात है, रुचि को मत चुनना. तो डिस्ट्रक्शंस को टैकल करने के लिए अपने लक्ष्य को प्रेम दो, लक्ष्य को आनंद के साथ जियो. जितना तुम अपने लक्ष्य पर फोकस हो, डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली आएंगे और चले जाएंगे. जैसे ध्यान वहां जाने लगे, हटाओ, खुद को बोलो कि नहीं, मेरा लक्ष्य, मेरा प्रेम, मेरा आनंद, मेरा ज्ञान, मेरा टारगेट है, बस और कुछ नहीं. जय हो सुनील बाबू.